जयराम जी, आपके अंदर अगर दम है, आपने विधानसभा का चुनाव तो लड़के देख लिया, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि इस चुनाव को आप अपने नाम के ऊपर लड़के देखें और आपको हकीकत पता लग जाएगी कि क्या है। मोदी जी का नाम काट दे और अपने नाम पे चुनाव लड़े एंड देन यू विल सी दैट वेयर यू स्टैंड विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसकी चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी फोटो कहाँ है और उनकी फोटो कहाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात है उनकी जो चित्र है वो प्रदेश के लोगों के दिल में है, आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए उसकी चिंता भाजपा को करने की आवश्यकता नहीं है और उनके प्रतिबिंब के रूप में मैं आज यहाँ पे आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ हम प्रदेश की राजनीति में अपना योगदान एक सकारात्मक तरीके से देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा केवल शिमला शहर का ही नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मसला है और मुझे विश्वास है कि बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए पहले भी ये जो पीडीएस की स्कीम है ये हमारी ही सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2006-2007 में 6-7 में इसको शुरू किया था और समय समय पर इसको बढ़ाया गया है, समय समय पर इसके दायरे में और राशन तेल लाया गया है। तो निश्चित तौर से महंगाई के दौर में इस विषय को हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में केवल शिमला शहर के लिए नहीं मगर और भी, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र है या और भी शहर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहां पे खास करके जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको सहयोग देने के लिए इसमें जो है वो बढ़ोतरी आने वाले समय में करवाई जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास भी है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, जयराम जी को मैं साफ कह देना चाहता हूं कि ये सरकार 5 साल तक हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ चलेगी, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे। आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ चुके हैं मगर अभी भी, पहले आप मुकेश जी के ऊपर तंज कसते रहे 5 साल की आप कुर्सी के ऊपर बैठते नहीं हैं, नीचे कांटे लगे हुए हैं, अब वही हाल आपके हैं और जिस तरीके से एक मेच्योर लीडर की तरह उनको ये जनता का जनादेश को स्वीकार कर एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष के नेता की निभानी चाहिए, उसमें ये सरकार, उसमें नेता प्रतिपक्ष पूरी तरीके से विफल रहे हैं और तथ्यहीन बातें और अस्थिरता का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये सही नहीं है। 5 साल उनकी सरकार रही, हमने तो कभी नहीं कहा कि उनकी सरकार गिर जाएगी, हमने तो 5 साल विपक्ष की भूमिका को निभाया, सकारात्मक तरीके से निभाया, इश्यूज को विधानसभा के अंदर सभी विधायकों ने 5 साल लगातार उठाया जिसकी वजह से आज कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। इसलिए उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, हिमाचल की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक तालमेल की बात है, मैं खुद उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सदस्य हूं मुख्यमंत्री जी का और मैं पूरे विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूं कि वी स्टैंड रॉक सॉलिड विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हिज आइडियोलॉजी एंड हिज कमिटमेंट टूवर्ड्स द स्टेट और जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उसमें हम उनके साथ हैं। ये जरूर है कि वी बिलीव इन वर्किंग विद आवर ओन इंटेंट एंड पर्पस ऑल्सो, अगर हमारी कोई सोच है तो उसको हम कैबिनेट में भी और वैसे भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और अपनी बात को रखना यही लोकतंत्र की एक खूबी है, उसको स्वीकारना ना स्वीकारना दैट इज फॉर द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू डिसाइड, बट स्वतंत्र रूप से हम अपनी बात को रखते भी हैं, उसको मुख्यमंत्री जी सुनते भी हैं और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से प्रदेश के लिए सब सुझावों को लेकर उसके ऊपर मंथन करके फिर निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। पहले तो जयराम जी इंतजाम करें कि 40,000 लीटर के लिए टैंकियां हर घर पे लेने के लिए इस्तेमाल करें और वो पैसा वो मोदी जी लेकर आएंगे कि जयराम जी अपनी जेब से देंगे, पहले इस चीज का निर्णय कर लें कि कहां से वो पैसा आएगा टैंकियों के लिए और कौन से ऐसे घर है, कौन सी ऐसे छत है जिसके ऊपर 40,000 लीटर की टैंकियां लग सकती है। ये इससे बड़ा भद्दा मजाक और कोई नहीं हो सकता और मजाक तो ये है, अभी मैं एक देख रहा था इनके नेता जाकर लोगों से बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर आप वोट दें। अरे भैया, एमसी के चुनाव है, कहीं पे आपके एम्बुलेंस रोड बननी है, कहीं आपकी बिजली, कहीं आपकी सूरज बननी है, कहीं आपके दंगे लगने हैं,
कहीं आपकी स्ट्रीट लाइट लगनी है, अब उसके लिए भी आप प्रधानमंत्री जी को लेकर आएंगे तो देश कौन चलाएगा? ये इस तरीके का है कि हर चीज जहां पे कुछ नहीं हो रहा वहां पे मोदी जी को आगे लेकर आ जाओ। कुछ तो अगर दम है जयराम जी आपके अंदर, अगर दम है, आपने विधानसभा का चुनाव तो लड़के देख लिया, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि इस चुनाव को आप अपने नाम के ऊपर लड़के देखें और आपको हकीकत पता लग जाएगी कि क्या है। मोदी जी का नाम काट दे और अपने नाम पे चुनाव लड़े, एंड देन यू विल सी दैट वेयर यू स्टैंड विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश।